ऐसे नहीं रहेंगे। और यहाँ पे पंखा लगाया गया है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे, कंटिन्यूसली लगाए जा रहे हैं इसको और यहाँ से इसको सील किया जाए। पापड़ी का मिक्सचर यहाँ पे रेडी हो चुका है और कुछ भी मिलावट नहीं है, और बेसन की बनती है तभी टेस्ट आता है। उठा के ये रोलर पे पकड़ाया जाएगा और यहाँ से लेके जाएंगे बाहर। टाइप की यहाँ पे ये जाली होती है जिसमें गाठियाँ बनती है, पापड़ी बनती है। तो ये भैया ये पापड़ी वाली है। इसे हमारा बड़ा सा थाला आ चुका है, इस बढ़िया से हमारा ये रेडी हो चुका है। अब इसको उठा के और ये फर्स्ट लोड डाला जा रहा है, देखिए। और नीचे से और ये तेल में डुबाया जा चुका है, पापड़ियाँ निकलेंगी। आप पहले ये देखिए कितना बढ़िया अंदर से ये रोटेट हो रहा है और तो वहाँ पे हमारी पापड़ी निकलना स्टार्ट हो गई। आप डेंसिटी देखिए, बहुत पतली और करारी होनी चाहिए, ठीक है, इस पापड़ी की अच्छे से तली जा रही है। और यहाँ पे पंखा लगाया गया है कि टेम्परेचर मेंटेन रहे और यहाँ पे रोज़ाना पापड़ी बनती रहे। वहाँ से उठाया जाएगा हमारा पापड़ी का जो लोड रेडी हुआ है और ऐसे निकलेंगे। तो ये जो पापड़ी रेडी की जो की जा रही है ना, उसमें बिल्कुल 1% भी मैदा नहीं है, प्योर बेसन की पापड़ी है हमारी। वैसे मशीन कैसे काम करती है उसका क्लोजर दिखाते हैं। अब इसको अंदर डाला जाएगा और उसके नीचे पापड़ी के शेप काटने वाली प्लेट लगी हुई है और जो प्लेट लगी है वो ये शेप में हमारी पापड़ी बनाई जाएगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। 22 किलो, अच्छा गाइस, ये 20 से 30 किलो तक ऑमलेट बन रही है 50 से 60 सेकंड में। बढ़िया से हमारी करारी पापड़ी तल के रेडी हो चुकी है। हाथों से बनाया जाए ना तो घंटों लगते हैं इसमें, मेहनत भी बहुत। गाइस हमारा पूरा बहुत बड़ा जो थाला था ना वो पापड़ियों से भर के रेडी हो चुका है। ये देखिए पूरा माउंटेन सज चुका है यहाँ पे हमारे पापड़ियों का। तो वही से हमारा पापड़ी का पहाड़, वही आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पापड़ी का पहाड़ लगा हुआ है और यहाँ पे पैकिंग चल रही है एकदम बढ़िया तरीके से, गर्मा गर्म करा रही हमारी पापड़ी। तो वही से कुछ दिनों का स्टॉक है, बिक जाता है सडनली, तो क्या हुआ ड्राम वाइज को किया जा रहा है। दोस्तों ये देखिए कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे बन रही है, हमारे अंकल कंटिन्यूसली लगाए जा रहे हैं इसको और यहाँ से इसको सील किया जाए। तो इस देखिए ये देखिए यहाँ पे